गाइज अगर आपने द गेमर बीस्ट की नहीं नहीं क्या था नाम उसका, हाँ सॉरी सॉरी मैं मुझे उनकी चैनल का नाम नहीं पता, उनकी मैं उनको प्यार से बीस्टी बुलाता हूँ। सो बीस्टी की चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर डालो यार, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। एंड अगर आप लाइक छोटे मोटे यूट्यूबर हो, लाइक अगर आप यूट्यूबर हो तो आपको पता चल रहा होगा स्टार्टिंग में कोई सपोर्ट नहीं करता, तो बस यार जाके चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ स्पेशलिस्ट से, प्लीज़ हैशटैग स्पेशलिस्ट लिखना ही होगा उस पर उसके उनके वीडियो के कमेंट पे। ओके तो जाओ एंड जाके चैनल को सब्सक्राइब कर डालो। हे व्हाट्सअप डिजाइनर्स वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो, और आज की इस वाली वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप जो कुछ इस तरह का थंबनेल कैसे बना सकते हो वो भी अपने एंड्रॉइड फ़ोन पे। एंड ये जो थंबनेल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा तो मैंने सोचा इस पर एक थंबनेल ट्यूटोरियल बना जाए। एंड ये जो थंबनेल है उसके लिए आपको चाहिए पिक्सेल ऐप, पीएस टच एंड लाइटरूम, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, सो जाके डाउनलोड कर देना। एंड आपको चाहिए मेरा एक पैक, पैक पे सारी इमेजेस जो भी आपको इस वीडियो के लिए चाहिए वो सारा आपको मिल जाएगा, सो बस उसको डाउनलोड कर देना। सो गाइज यू आर वॉचिंग स्पेशल रिमार्क विदाउट एनी वेस्ट मोर टाइम, लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। सो यहाँ पे जो सबसे पहला स्टेप है वो मैं ओपन करता हूँ लाइटरूम, एडोबी फोटोशॉप लाइटरूम, देन इसको यहाँ पे प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना है, देन इसको सबसे पहले तो मुझे लोड होने दो यार, बहुत टाइम लेते हैं। सो जब ये लोड हो जाएगा तो उसके बाद जो है मैं वो वेट 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 सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइस। सो यहाँ पे जो है मैं हाँ दो मिनट का इस दो मिनट उसको मैं ढूंढ लेता हूँ एंड देन ऐड करके मैं आपसे बात करता हूँ। हाँ सो गाइज मैं आपको बता देता हूँ मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा था, सो पर मैंने मतलब इम्पोर्टेड, दो मिनट में आपको दिखाता हूँ ये रहा वो मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा था, पता नहीं मैंने वापस क्यों ऐड कर दिया। तो यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो एक सिंपल स्क्रीनशॉट है जो ट्रेडिंग मोड होता है वहाँ पे आपको पता होगा एक चिकन होता है वो ऊपर की साइड जो आपको पता होगा, उसके बारे में मैं बात नहीं करने वाला। सो यहाँ पे जो है यूज़र प्रीसेट्स में फ्रैंकी एक यूज़र प्रीसेट्स होगा, इसके डाउनलोड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। मैं ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाऊँगा, या तो मैं इस पे वीडियो बना दूँगा, आप कमेंट में बोल देना इस पे वीडियो बनाऊँ या नहीं, कि आप कैसे अनलॉक करें फ्रैंकी को। तो इसको डाउनलोड करके मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ, इसको इसकी डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी colorcorrection.xmp करके। तो इसको डाउनलोड करने के बाद देना आपको उसको कॉपी करना है ज़ेरोजे पे जाके एंड देन पेस्ट कर देना है यूज़र स्टाइल्स पे। अभी यूज़र स्टाइल्स होगा वो होगा एडोबी फोटोशॉप लाइटरूम पे, सो आपको जाना है एंड्रॉयड डेटा देन फोटोशॉप लाइटरूम, देन उसके बहुत ही अंदर जाने के बाद आपको यूज़र स्टाइल्स का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। सो मैं उसको ले लेता हूँ, देन जैसे वहाँ पे देख सकते हो ये कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा कूल होगा, और मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा है तो मैं इसको सेव नहीं करूँगा। एंड अभी हम जो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ द टाइम, सो अभी हमें जो पीएस टच एंड मैंने ऑलरेडी ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया है। सो अभी जो मैं वो वाली इमेज लेता हूँ जहाँ पे जो लाइट रूम की जो इमेज है वो मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे एक एडोबी फोटोशॉप लाइट रूम करके एक आ जाएगा, लाइक एक फोल्डर आ जाएगा, वेट ढूंढ लेता हूँ सबसे पहले। सो यहाँ पे देख सकते हो एडोबी लाइटरूम आ गया, देन ये वाला मैं इमेज ले रहा हूँ ओके, एंड देन इसको लेने के बाद सिंपली इसको बड़ा कर देना है ओके, मैं उसको बड़ा कर देता हूँ। वेट अभी जो है हम लॉक एक्सपेक्ट रेशियो ऑन करके थोड़ा सा लाइक लंबा कर देंगे, नहीं ये बहुत लंबा हो गया, फिर तो हम वापस ऐड कर देते, उसको कोई टेंशन की बात नहीं है, इसको मैंने ऐड कर डाला। एंड देन इसको जो ट्रांसफॉर्म करके मैं लॉक एक्सपेक्टेशन बंद कर देता हूँ, देन इसको मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, बस आपको साइड में करना है ओके, बस थोड़ा सा साइड में ताकि एक टेक्स्ट की जगह ले जाए। एंड देन कुछ इस तरह का आप देख सकते हो मैंने कर डाला है स्कूप, एक लेफ्ट साइड है एंड राइट साइड है वो हमारा फॉन्ट आएगा। सो एम्प्टी पता नहीं मैंने क्यों रखी है, मैं ऑलरेडी थी तो इसको मैंने डिलीट कर डाला है। सो अभी जो मैं जाऊँगा पिक्सेल ऐप पे, पिक्सेल ऐप वाले फोल्डर पे वो ऊपर चला के शायद से, हाँ ये रहा पिक्सेल ऐप जहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी सेव करके रखा है मेक दिस ऑन एंड्रॉयड का एक टेक्स्ट जो मैंने हेलेना नंबर 45 का है वो मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा है। सो इसको मैं सिंपली लाइक यहाँ पे सेट कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं मेक ये जो ऑन एंड्रॉयड है ना उसको मैं लेयर फ्रॉम सिलेक्शन कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे जाके उसको क्लियर कर देता हूँ। सो यहाँ पे जो है एक सिंपल काम हमारा ख़त्म हो जाता है। सो जो मेक दिस है उसको हम एंड्रॉयड के एग्जैक्ट नीचे रखेंगे, या तो एक काम करते हैं ऑन एंड्रॉयड को ऊपर ले आते हैं थोड़ा सा,
इतना सही है, ये परफेक्ट है। थोड़ा सा और साइड में जाएंगे, पिक्सल नज करके थोड़ा सा साइड में डाल देंगे। यहाँ पे जो है जो मेघदिस है, जो यहाँ पे मेघदिस है उसको हम ग्रेडियंट देंगे। ओके तो हम यहाँ पे मेघदिस को जो ग्रेडियंट देंगे वो होगा, अरे ये ऑन एंड्रॉइड को नहीं, हमें दे रहा है मेघदिस को। सिलेक्ट पिक्सल्स करके ग्रेडियंट, एंड यहाँ पे सेव करके रखा था मैंने, पर पीएस टच अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल किया, प्रॉब्लम हो गई। मैं इस तरह का कुछ ग्रेडियंट दे देता हूँ, देखने तो यही है क्या, आई डोंट थिंक सो ये वही है। दो मिनट इसको मैं ठीक से सेट कर देता हूँ। हाँ तो देखो यहाँ पे इसकी जो ब्राइटनेस है वो मैं थोड़ी कम कर दूँगा ताकि वो थोड़ा डार्क हो जाए, एंड इतना भी डार्क नहीं, सैचुरेशन कॉन्ट्रास्ट में। यहाँ पे जो मैं बेसिकली मैं यही बोलना चाहता हूँ, इसको हम ठीक से सेट कर देंगे। वेट, लाइन टाइप करके यहाँ पे ये वाला मैं अभी के लिए ग्रेडियंट दे रहा हूँ, देन एम्प्टी लेयर लेंगे, सेम ग्रेडियंट इसको मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पे जो है इसके सिलेक्ट पिक्सल्स करके यहाँ पे जाके क्लियर इस वाले एरिया को लाइन डॉज एड, एंड देन गॉशन ब्लर वाला इफेक्ट देंगे इसको, एंड थोड़ा सा लाइक आपको जो गॉशन ब्लर है वो थोड़ा ज़्यादा देना है ताकि जो इनर टेक्स्ट ग्लो है वो थोड़ी ज़्यादा है, एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज क्योंकि वो हर घर घर की कहानी होती है। यहाँ पे इसको ड्रॉप शैडो दे देते हैं, ड्रॉप शेडो, चलो ड्रॉप शेडो वो आपको देना, ज़्यादा ब्लर वाली नहीं देनी अभी के लिए। बस एक बार आपको दे देनी है सिंपली, मैंने गलती से दो बार दे दी थी पर मैंने उसको क्रॉस कर डाला। जो ऑन एंड्रॉइड है उसके स्लैक पिक्सल्स करके मैं ये वाला ग्रेडियंट दे देता हूँ। ये वाला जो ग्रेडियंट है वो बहुत ही हर थंबनेल में मैच कर जाता है, इसको मैं कुछ इस तरह सेट करता हूँ। एंड इसकी कलर ग्रेडिंग भी देख लो आप, ये देखो ये है इसकी कलर ग्रेडिंग, इसको आप सिंपली कॉपी कर सकते हो, या तो आप देखो मैं आपको बना के भी देता हूँ। जो ये वाला यहाँ पे ऑलरेडी सेव होता है पीएस टच पे, यहाँ पे आपको ये वाला लेना है, देन उसको सिंपली ऐसे लंबा खींच लेना है, आपको पता चल जाएगा। देखो कुछ इस तरह थोड़ा और डार्क हो गया, मैंने इसको, चलो ये सही है। देन वेवर से आपको एम्प्टी लेयर लेके सेम ग्रेडियंट ले लेना है, एंड देन इसके सिलेक्ट पिक्सल्स करके यहाँ पे जाके उसको क्लियर कर देना है, इस वाली लेयर को लाइन डॉज करना है, एंड देन गॉशन ब्लर वाला इफेक्ट दे देना है, एंड बस ये मुझे सही लग रहा है। इसको एक्सट्रैक्ट करके मर्ज डाउन, एंड देन ड्रॉप शेडो एक बार यहाँ पे इस टेक्स्ट को मैं हटा दूंगा, देन ये वाली लेयर पे जाऊंगा जहाँ पे हमारा जो इमेज है वो हम सेव है, देन मैं सर्कल सिलेक्शन टू लूँगा, एंड यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे नहीं सर्कल सिलेक्शन टू हुआ ही नहीं, सर्कल लेंगे एक अच्छा सा बढ़िया सा, ये तो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, नहीं ये बराबर बनी नहीं रहा, ये प्रॉब्लम होती है हमेशा, बराबर बनता ही नहीं है। ओके आई थिंक सो ये सही तो होना चाहिए। इसको लेयर फॉर्म सिलेक्शन कर देते हैं जब ये सही हो जाए, वैसे सही नहीं है पर कोई बात नहीं। अभी लेयर फॉर्म सिलेक्शन होने के बाद एक एम्प्टी लेयर लेनी है, 15% है रिमेनिंग, कोई बात नहीं। फील एंड स्ट्रोक कर देना है, देन स्ट्रोक ऐड कर दिए, एंड थोड़ी सी वो वेट मैं आपको बताता हूँ, येल्लो एंड ऑरेंज टाइप की जो मिक्स होती है वो वाली हमें, ये वाली ऐसे कुछ ले लेनी है। देन अभी मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मार्किंग सिलेक्शन टू ले लेते हैं। देन जो है अभी मैं एक चीज़ करने वाला हूँ जो कि है लाइक इसको हम ग्लास वाली इफेक्ट देंगे। ओके ग्लास वाली इफेक्ट, देन 20 अमाउंट सही है मुझे, वो परफेक्ट लगती है। देन बेसिक पे जाके इसको ग्लो दे देंगे, एंड ग्लो भी आपको सेम कलर का देना है वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। ये वाला एकदम दे देना, सही लग रहा है। देन इसी को डुप्लीकेट लेयर करके लाइन डॉज कर देना है, एंड देन ये वाला ये यही कर देना है, देखो ये आगे था तो इसको पीछे कर देना है, काम पूरा हो गया। अब जो दूसरा काम है वो थोड़ा हार्ड है, लाइक मतलब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, पर पता नहीं क्यों हमें करना पड़ता है, ये परंपरा है पता नहीं क्यों है, बस है। तो पॉलीगन सिलेक्शन टू लेना है, शो पॉइंटर कर सकते हो जो भी आपकी मर्जी है, लाइक शो पॉइंटर नहीं करना है तो भी कोई बात नहीं है, शो पॉइंटर करना है तो अच्छी बात है, करना हो तो करो, ना करना तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अरे पॉलीगन सिलेक्शन टूल जो है, तो पॉलीगन सिलेक्शन टूल ही नहीं लिया मैंने, एंड मैं शो पॉइंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है मैं ये स्कूप है ना उसकी जो बाउंड्री है ओके उसको मैं अलग से सिलेक्ट करूँगा। ओके इसको मैं अलग से मुझे सिलेक्ट करना है, एंड बस मैं ये पार्ट स्किप कर देता हूँ। देखो मैं आपको बताता हूँ, लाइक ये जो है ना ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगी, पर हाँ रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, टेंशन मत लो, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। हाँ मैं कुछ इस तरह कुछ कर रहा हूँ,
सो पॉइंटर करके, आपकी मर्जी आपको सो पॉइंटर करना है नहीं, ओके। सो मैं भी इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। 2 hours later सो फाइनली 10 साल बाद ये हो चुका है। सो इसको मैं लेगो फॉर्म सिलेक्शन ले लेता हूँ, ओके। एंड इसको एम्प्टी लेयर देते हैं, देन वही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले मार्किंग सिलेक्शन टूल लेते हैं, फील एंड स्ट्रोक करते हैं, एंड देन स्ट्रोक करने के बाद ये वाला जो हमने सेम कलर की लेनी है जो कि हमने ये स्कूप के अंदर वाली ली है, सो इसको मैं ले लेता हूँ। देन वही ये देखो शो पॉइंट मुझे हटाना पड़ेगा। सो अभी जो इसको सिंपली वही स्टेप फॉलो करने, ग्लास इफेक्ट देना है, देन बेसिक पे जाके ग्लो दे देना है वही कलर का, देन इसको डुप्लीकेट लेयर करके लायर डॉज कर देना है, देन ये वाला कर देना है, ओके। सो ये काम पूरा हो चुका है, बट अभी जो टेक्स्ट है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, ओके। मेक दिस ऑन एंड। तो अभी देखो मैं एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ यहाँ पे, वेट। सबसे पहले तो आपको फोटो ले, फोटो लाइब्रेरी करना है, फिर आपको कोई भी बैकग्राउंड ले लेना है, ओके। कोई भी पबजी का बैकग्राउंड मैं ढूंढ लेता हूँ, सबसे पहले तो कोई भी पबजी का बैकग्राउंड। सो जो मुझे नहीं मिल रहा है, आप जो कोई भी मतलब कोई भी ले सकते हो। सो मैं ये वाला लेता हूँ, देन कोई अच्छा नहीं, कोई भी ले लेना है। सो मैं ले रहा हूँ ये वाला, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है ये वाला लेते हैं। देन अभी इसको इसको सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्म करना है, देखो टेक्स्ट की साइड लाना है एंड टेक्स्ट पे चले जाना है, ओके, टेक्स्ट के ऊपर लगाना है सिर्फ। सो इसको मैं ठीक से सेट कर देता हूँ, देखो हो चुका। सो अभी जो है हम इसको ब्लैक एंड वाइट करेंगे, सो लेवल्स पे जाके ब्लैक एंड वाइट कर डालो। देन अभी जो है इसे आपको नहीं, अभी नहीं, देखो अभी यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है इसको भी मर्ज डाउन कर देना है, एंड देन इसके स्लैक पिक्सल्स करने टेक्स्ट के, एंड देन यहाँ पे जाके उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। सो यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ ऐसा हो चुका है। सो अभी जो हम ये जो लेयर है उसको ओवरले कर देना सिंपली, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक अलग सी चमक आ जाएगी, लाइक जो टेक्स्ट के अंदर है वो लगेगा कि हाँ कि कोई एक क्रोमा टाइप जो होता है मिरर टाइप, वैसी फीलिंग आ जाएगी। सो बस यहाँ पे इजीली वैसे टाइप का कर सकते हो। या तो देखो यार, जैसे कि ये मुझे ज़्यादा खास नहीं लगा, एक्चुअल में ये वाला ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज ये जो परफेक्ट रहेगा मेरे लिए, मतलब मेरे लिए नहीं इसके लिए। सो मैं इसकी डाउनलोड लिंक शायद से मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो इसको डिलीट कर देते हैं। देन लेवल्स पे जाके ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं, देन इसके सिलेक्ट पिक्सल्स करके यहाँ पे जाके एक्सट्रैक्ट करके इसको जो है ओवरले कर देते हैं। सो देखो यहाँ पे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, तो इसको मैं मर्ज डाउन कर देता हूँ। एंड देखो अब यहाँ पे जो बात आती है वो आती है ड्रॉप शैडो की, ब्लर ज़्यादा कर देना आपको, एंड ड्रॉप शेडो दे देनी है लाइक 70 ऐसे कुछ, ड्रॉप शेडो 2 बार दे देनी है जिसके बाद देख सकते हो। एंड देन इसको थोड़ा सा मैं ट्रांसफॉर्म कर दूंगा नीचे की साइड, ओके। एंड देन इवन यू कैन रोटेट और आप जो स्क्यू कर सकते हो, वेट यहाँ पे जो मैं उसको सही से सेट कर दूँ। बस अब मैं जो एक टेक्स्ट को सही तरीके से सेट कर रहा हूँ, आपकी जैसी मर्जी, आपको जैसा करना हो। अभी जो हम ब्लेंड्स पे जाएंगे, सबसे पहले मुझे ब्लेंड्स ढूंढना है, वेट ये रहा ब्लेंड्स, पर ये वाला ब्लेंड्स अलग वाले ब्लेंड्स वो अलग टाइप के हैं। सो पार्टिकल्स हमें सबसे पहले पार्टिकल्स ऐड कर देते, वरना ये नहीं मिलेगा बाद में, ब्लेंड हम बाद में ऐड कर दे। तो इसको मैं ओवरले सॉरी लीन आउट कर देता हूँ, एंड पार्टिकल्स हो गए। अभी जो है मैं सिंपली बस एक ब्लेंड्स ऐड करने हैं मुझे ब्लेंड। सो ये ब्लेंड्स, ओके ये रहे सो ब्लेंड्स, एंड ये वाला जो ब्लेंड है इसके डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। सो इसको मैं बड़ा कर दूंगा, देन इसको जाके मैं इसको सिंपली ओवरले कर दूंगा। एंड अभी जो एक लास्ट चीज़ आई थिंक सो है, ये है लाइटनिंग, मतलब एक विग्नेट टाइप। सो हमें इसको लाइटनिंग दे देंगे, लास्ट चीज़ नहीं है अभी, बहुत कुछ एक दो चीज़ बाकी है। देखो वो हमने इसको लाइटनिंग ऐड कर दी है, वेट इसको जो सही तरीके से लाइटनिंग ऐड करते हैं, देखो 50% ही देना है मुझे, चलो इतना भी चल जाएगा। एंड इसकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम कर देंगे, एज हमें ज़्यादा भी जितनी नहीं देनी है पर कम देनी है लाइक, एंड मुझे वापस देखना है लाइक मैं हमेशा लाइक क्यों बोल रहा हूँ, हाँ तो जाके लाइक कर डालो, पता नहीं मैं हमेशा लाइक क्यों बोल रहा हूँ पर कोई बात नहीं। हाँ देखो यार एक लाइट चीज़ रह गई, लाइट रह गई, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर थंबनेल में, पता नहीं मैं कैसे भूल गया। सो आपको जाना है लाइट्स पे, एंड लाइट्स पर जाने के बाद यहाँ पे ये वाली जो लाइट है वो हम ऐड कर देते हैं, पर इसको जो है सबसे आगे रखना है, सबसे आगे हमें ये जीतना चाहिए, हम जो इसको सबसे आगे करेंगे, कोई चीज़ हटानी नहीं है हमें, रखनी है। सो इसको आगे करने के बाद
इसको जो सिंपली लैंड डॉज करके ओपेसिटी कम कर देनी है, सिंपली नॉर्मली रखते हैं, बट जो इसकी ओपेसिटी है वो थोड़ी सी कम कर देते हैं। ये वाला मुझे सही लग रहा है, तो जैसे आपकी मर्जी, लाइट आपके हिसाब से आपको करनी है, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। सो बस ये अभी इसको डन करके सेव कर देना है। एंड देखो अब जो बस फाइनल एक चीज़ बाकी रह चुकी है जिसको मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। सो इसको जो है शेयर करके सेव टू गैलरी करके ओके कर देना है। लाइट रूम पे आपको आ जाना है एंड प्लस पे जाके वेट सबसे पहले इसको लोड होने दो। एंड बहुत टाइम लेता है, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो आपको PSSC 2019 का मिल जाएगा ऑप्शन, इसको मैं सिंपली ढूंढता हूँ। एंड ये रहा PSSC, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। देन बस ये देखो ये आ चुका है, सो इसको मैं ऐड करता हूँ। देन जो प्रीसेट्स है उसको मैं फ्रैंकी वाला प्रीसेट दे दूँ तो बहुत ही कूल दिखेगा, जिसको आप देख सकते हो। ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा कूल दिखेगी, बिकॉज जो ऑरेंज है या तो येल्लो कह दो, येल्लो एंड जो ऑरेंज है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। देन इसको सिंपली शेयर टू सेव टू डिवाइस कर डालो, आपका जो काम पूरा हो जाता है। सो गाइस आज का वीडियो तो सिर्फ यही था, अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करके जाना, चैनल बनाओ तो सब्सक्राइब करके जाना। आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी स्पेशल बी डिजाइनर, बाय बाय एंड पीस।